हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक छोटी सी प्रॉब्लम। हमारे साथ ऐप पे जुड़े हैं श्रीकांत साहू जी। जी हाँ, श्रीकांत साहू जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे साथ एक प्रॉब्लम शेयर की है आपके सामने। उनका एक छोटा सा मैंने पार्ट रखा हुआ है, ऐसे उनके पास बहुत सारा डेटा है। वो इसमें से किसी एक पार्ट को अलग करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं AOI के बाद जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा पार्ट अलग करना चाहते हैं। अब ये तीसरे नंबर पे या दूसरे पे अलग अलग हो सकता है, बट क्या है कि एक सेल के अंदर है, तो कैसे से मुझे इसमें से इसका पार्ट को अलग करें, आज हम इसी बताने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लें, जहां पे आपको सारे वीडियो सिक्वेंसली मिलते हैं। तो कैसे करेंगे? AOI एक इनिशियल वर्ड है, AOI, और दूसरा है कि क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब कि AOI से चलना है और क्लोजिंग ब्रैकेट को लेना है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला, हमारे पास फाइंड या सर्च कर लीजिए, सर्च का फॉर्मूला होता है। सर्च फॉर्मूला किसी भी टेक्स्ट को, इस AOI को सर्च करेगा इसके अंदर में स्टार्टिंग 51 आया। और दूसरा अगेन हम सर्च का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे इस लेटर को इसके अंदर सर्च करेगा, बट यहां वन नहीं, क्योंकि वन से करेंगे तो ए वाला जो नंबर है ए आ जाएगा, ए ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का पोजीशन आएगा। तो यहां पे हम करते हैं 51 + 1। अब जो ये 51 85 आया क्या है? ये आया है नंबर ऑफ करेक्टर, कि ए वाई जो है इतने करेक्टर बाद है, और क्लोज इसकी, और हमने फाइंड सर्च में +1 दे दिया ताकि वो यहां से ढूंढना शुरू करेगा और इस वाली क्लोजिंग ब्रैकेट को लेगा, रिजल्ट दे देगा। अब मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं मिड का, कि मिड इसमें जाए, यहां से स्टार्ट करें, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उतने करेक्टर को अलग कर दे। इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया तो इसमें हम +1 कर देते हैं, तो ये आ गया। अब ये सीरियल नंबर /2 नहीं हो, यहाँ पे /2 नहीं ओपन हो रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, 51 जो सर्च का रिजल्ट है उसमें -2 कर दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा रिजल्ट। -2 नहीं, -2 नहीं कर सकते, यहां पे -2 कर सकते हैं, सर्च में नहीं, यहां पे अब आया रिजल्ट हमारा। अभी तो एक सेल में कैसे लगाना है देख लीजिए, हम देखेंगे फॉर्मूला मिड का। हमने इसको सेलेक्ट किया, स्टार्ट नंबर में हमने सर्च दिया, सर्च में हमने बोला AOI, किसमें सर्च करना है, इसमें, किससे स्टार्ट करना है, 1 से, +2 नहीं -2 सॉरी -2। फिर वापस हमने एक और सर्च का फॉर्मूला लगाया, इस सर्च में हमने बोला क्लोजिंग ब्रैकेट ढूंढना है इसमें, बट नॉट ए स्टार्ट 1, ये जो रिजल्ट आ रहा है उसमें रिजल्ट में +1, और उसमें से माइनस करना है सेम सर्च वन को, बस सिंपल सा लिखना है, एंटर मारिए, रिजल्ट आपके सामने। अब ये कितना भी क्यों ना होगा ये अलग हो ही जाएगा। +2 करना पड़ेगा, यहां भी +2 करना होगा, क्योंकि हमने -2 कर दिया था ना, इसलिए इसमें +2 करना पड़ेगा।
इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को पहले अलग करके समझिए फिर इसको यूज कीजिए। इसी तरह की पूरी वीडियो सीरीज के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, डेमो क्लास का फॉर्म भरें और मेरे साथ लाइव क्लास को ज्वाइन करें, या फिर मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हुआ है, या फिर हमारे गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके सर्च करें एक्सेल एमआरएस ट्रेनिंग, वहाँ पे सारे मेरे ऐप का जो लिंक है वो लिंक आ जाएगा। अगर आप iOS यूज करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इसके बाद आप कोर्सेज पे जाएंगे, मैं डायरेक्ट मेरे कोर्स को डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। web.classplusapp.com पे जाइए, ORG कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डाल के मेरे कोर्स को इस पे भी देख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल है, एडवांस एक्सेल, VBA Macro, MS Access वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा चैट सेक्शन है जिसमें आप हमसे कोई भी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी अभी जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिया है इन्होंने, श्रीकांत जी ने मुझसे पूछा था, उनको मैंने सॉल्व किया है, आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे कॉल कीजिए, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। ओके, बाय।